भोपाल के वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी में महिला खिलाड़ी के मां बनने के मामले में तूल पकड़ लिया है। इस मामले में खेल विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए हॉस्टल के 4 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है, जिसमें 2 कोच और 2 वार्डन शामिल हैं। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जीतू पटवारी की माने तो मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया गया है, जो जल्द ही अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करेगी। एक खिलाड़ी के साथ में मामला सामने आया, तो उसके बाद आपने भी संज्ञान लिया है कि क्या उस पूरे मामले में? उसमें 4 लोगों को, 2 कोच, 2 वार्डन प्रथम दृष्टया सस्पेंड कर दिए गए हैं, और साथ ही साथ आगे ऐसी गति नहीं हो इसके लिए कमेटी बनाई गई है। ये घटना चूँकि जो संज्ञान में आई है वो बच्ची ने स्वीकार किया है कि उसका जो जिस परिवार के साथी से उसका संबंध था उसका उन्होंने नाम बताया है। मैं समझता हूँ बालिक बच्ची है, पर एकेडमीज में इतनी देर बाद पता नहीं चला, इसके लिए दोषी हम व्यवस्था को मानते हैं और उसी के लिए ये एक तरह से एक्शन लिया गया है। हमने आने वाले समय में, चूंकि ये बात ऐसी नहीं है कि नेगेटिविटी से की जाए, पर वार्डन हॉस्टल्स है, वार्डन की पोस्ट नहीं थी, हमने पिछली कैबिनेट में ये सब पास करवाए हैं कि हर जगह बच्चियां होती है, उनकी सिक्योरिटी होती है, उनको एक प्रिकॉशन होता है, उनको एक समझदारी के भाव से काउंसलर एक उनको चाहिए। आपको बता दें कि भोपाल के हॉस्टल में रहने वाली 19 साल की महिला खिलाड़ी को पेट में दर्द के बाद भोपाल के जिला अस्पताल में ले जाया गया था, जहां उसकी जांच के बाद डॉक्टरों ने पाया कि खिलाड़ी को 6 महीने का गर्भ है, और इसके बाद महिला खिलाड़ी ने एक प्रीमैच्योर बच्ची को जन्म दिया था। मामला सामने आने के बाद खेल विभाग के डायरेक्टर SL थाउसेन को सामने आना पड़ा। उन्होंने कहा कि इस मामले में खिलाड़ी ने पुलिस से कोई शिकायत नहीं की है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि महिला खिलाड़ी ने आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाए थे। और अभी जो इसका केस सामने आया तो पुलिस ने भी उन पर इंक्वायरी की। पुलिस को इन्होंने बताया कि वो लड़का के बारे में डिटेल्स उन्होंने कुछ नहीं दिया, और उन्होंने ये बताया जो भी रिलेशनशिप हुआ है फिजिकल एंड अदरवाइज वो इनमें उनका कंसेंट सही हुआ है, और अभी हमारा ये कर्तव्य है कि हालांकि इस मामले को BJP ने मुद्दा बना लिया है और पूरे मामले के लिए खेल विभाग को दोषी ठहरा रही है। रवीश पाल के साथ धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।